हरियाणा में छठे चरण का मतदान 25 मई को होना है। ऐसे में जनता के बीच अपनी अपनी पार्टी का प्रचार करने में लोकसभा उम्मीदवारों के पास अब बहुत कम समय रह गया है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों ने जनता के बीच पहुंच उनकी समस्याएं जानने व उन समस्याओं का निवारण करने का वायदा करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में जनसेवक क्रांति पार्टी के उम्मीदवार विजय यादव गुरुग्राम कोर्ट में अधिवक्ताओं से मिलने पहुंचे, जहां वकीलों ने उनका जोरदार स्वागत किया व उन्हें समर्थन देने का आश्वासन दिया। गुड़गांव के वकील इस बार 25 मई तक के मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं। गुड़गांव के वकील अब को नया चेहरा देखना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे जो पुराने विधायक वगैरह इनसे सब तंग आ गए ना, तो एक महीना आते हैं पूरे 5 साल में जब इलेक्शन का टाइम आता है और कोई किसी की समस्या को सुनने के लिए तैयार नहीं है। उस टाइम ये कहा जाता है वोटिंग करो आगे देखेंगे, अब इलेक्शन का टाइम है आगे देखेंगे। तो इस हिसाब से अब ये सोचना चाह रहा है हर कोई व्यक्ति, एडवोकेट ही नहीं है यहाँ से गुड़गांव से, हर कोई की ऐसे नौजवान को आगे बढ़ाना चाहिए जो यहाँ का विकास कर पाए, क्योंकि गुड़गांव का विकास गुड़गांव ने खुद किया। कोई विधायक वगैरह इधर की नहीं सोचता, ना स्कूल है, ना कोई हॉस्पिटल है, ना बस स्टैंड का कोई है, ना यहाँ वकीलों के लिए कोई पार्किंग की है, ना नगर निगम की सफाई है, इतना गंदगी फैली हुई है, और ना कोई वकीलों के बैठने के लिए सीटों की अरेंजमेंट है, और ना वहाँ कोई अच्छा वातावरण कराया गया जैसे कूलर पंखा या एसी वगैरह, ना कुछ चैम्बर वगैरह है। तो वकील 9,000 से भी ऊपर हैं और हर साल 100-200 बढ़ते ही जाते हैं, लेकिन इस बारे में कोई कुछ नहीं सोचता और ना पार्किंग की तरफ सोचता है। तो यहाँ की वकीलों की नहीं कि हर जनता की बहुत समस्या है, तो इसलिए हम चाहते हैं कोई नया भाई आगे आए और वो इस समस्या का समाधान करे और यहाँ गुड़गांव का विकास हो हर तरह। मैं एडवोकेट पूनम मावी। क्या कहेंगे गुड़गांव के वकील इस 25 तारीख को किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं? गुड़गांव के वकील जो मुद्दे उनके होंगे, एक तो बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा है यहाँ कि बिजली कई कई घंटों के लिए चली जाती है तो आती नहीं है। दूसरा यहाँ पानी की समस्या है, पानी अगर आ रहा है तो कंटिन्यू आ रहा है, नहीं आ रहा तो 4-5 दिन कंटिन्यू नहीं आया, पानी के लिए बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा यहाँ हॉस्पिटल्स वगैरह जो है उनमें सफाई बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ तो वहाँ सफाई नहीं है, प्राइवेट जाओ तो महंगाई इतनी है कि एक एक दिन का खर्चा ही 1,00,000 रुपये हो जाता है। अगर पेशेंट को एक दिन के लिए एडमिट करना पड़ जाए तो 1,00,000 2,00,000 रुपये हो जाता है। तो एक गरीब आदमी के लिए गुजारा कर पाना गुड़गांव में बहुत मुश्किल होता है। तो इन सब चीज़ों के मुद्दों को देखकर एक यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत इशू है कि अगर आपको सिर्फ 3 किलोमीटर दूर से आना पड़ रहा है, जाम इतना है सदर से लेकर यहाँ तक कि आदमी को 1-1.5 घंटा लग जाता है पहुँचने में। तो ट्रैफिक का निपटारा किया जाए, इन सभी मुद्दों को देखते हुए जो 25 तारीख को इलेक्शन होंगे इसी ब्याह पर हमारे वोट होंगे। अधिवक्ताओं के बीच में पहुंचे हैं, कैसा समर्थन मिला और क्या कुछ समस्याएं इनकी तरफ से आपको बताएं? देखिए आज गुड़गांव कोर्ट परिसर में हम अपने अधिवक्ता भाई और बहनों के बीच पहुंचे हैं और उन्होंने पूरी तरह से सहयोग समर्थन और वोट के रूप में आशीर्वाद देने का हमें भरोसा दिया है और मुझे भी भरोसा है कि हमें पूरा समर्थन मिलेगा। और हमारे अधिवक्ता भाई बहनों ने कहा है कि हम अब की बार किसी राष्ट्रीय पार्टी के चक्कर में नहीं आएंगे, ना ही किसी ऐसे राजनीतिक विरासत या घराने के चक्कर में आएंगे। हम नए लोगों को, नए नेतृत्व को मौका देंगे जो इस अहिरवाल का, इस दक्षिण हरियाणा का, इस गुड़गांव लोकसभा का भविष्य में भी सेवा कर सके। समस्याएं क्या कुछ बताई गई, क्या कुछ मुद्दे इनके हैं? समस्याएं तो सबसे बड़ी, मैं समझता हूं अधिवक्ताओं की, सबसे बड़ी कि जो जस्टिस टावर हमारा बन रहा है पिछले कई वर्षों से वो अधूरा पड़ा है। ये मौजूदा जो हरियाणा सरकार है उसके नकार और निकम्मेपन का एक जीता जागता उदाहरण है, वरना अब तक बने 9,500-10,000 के लगभग हमारे वकील भाई हैं जो टीन शेड में बैठते हैं, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। मैं अभी एक वकील साहब के चैम्बर में बैठा तो लाइट चली गई, मैं बोला कोर्ट में भी लाइट जाती, बोलो जाती ही लाइट कोर्ट में असली। तो ये बड़ी दुखदायी बात है कि ऐसी जगह पे भी सुविधाएं नहीं मिल रही है। मैं भरोसा देता हूँ आज उनका जो सहयोग समर्थन हमें मिला है भविष्य में मिलता रहे और मैं भी उनके हर संघर्ष में कंधे से कंधा मिला के साथ खड़ा हूँ।